नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर ही कहा जाता है कि स्थितियां अगर विपरीत हों तो कोई भी घटना या दुर्घटना होने में वक्त नहीं लगता। जैसे कि अक्सर ही कहा जाता है कि अगर कोई सूखा भूसे का ढेर हो, उसके आसपास जरा सी चिंगारी गिरे तो एक बहुत बड़ी आग का रूप ले सकती है। हमारी सेहत, हमारी तबीयत के बारे में भी यही हालत होती है। अक्सर हमारे शरीर में कुछ बीमारियां चुपचाप बैठी रहती हैं, लेकिन जब मौका मिलता है, यानी जब हालात ऐसे हो जाएं कि उस बीमारी के लिए कोई ट्रिगर, यानी उसे शुरू करने या पैदा करने के लिए कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो तुरंत वो सामने आ जाती है। अस्थमा यानी दमा, इसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसका दौरा किसी न किसी ट्रिगर की वजह से पड़ता है। आज हम टोटल हेल्थ में दमा यानी अस्थमा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे है। अगर बात करें दमा रोग की, तो इसे लेकर अलग अलग लोगों के कई तरह के विचार होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दमा तो दम के साथ ही जाएगा। एक लंबी लिस्ट थमा दी जाती है किसी भी दमा रोगी को कि उसको क्या कुछ परहेज करने हैं, कितनी खाने की चीज़ें नहीं खानी हैं, खेल कूद नहीं करनी है और ना जाने क्या क्या। लेकिन वाकई क्या दमा रोगी को सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है? यदि हाँ, तो वो कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए जिनका ख़ास तौर पर उन्हें पालन करना होगा? बहुत से लोग खांसी या सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत या सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ आना, छाती में जकड़न, इस तरह के लक्षणों के साथ बहुत दिनों तक यूं ही चलते रहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि शायद ये तो होना ही है, ऐसा होता ही होगा। बहुत से लोग दमा का इलाज नहीं कराते, विशेषज्ञों के पास नहीं जाते, और कुछ लोग विशेषज्ञों के पास जाते हैं तो अक्सर उन्हें अपनी दवा के बारे में सही सही जानकारी नहीं होती, अपनी स्थिति के बारे में ठीक से मालूम नहीं होता। दमा का इलाज करने के बहुत से दावे दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन दरअसल स्थिति क्या है? अगर दुनिया भर में हम देखें तो 300 मिलियन यानी लगभग 30 करोड़ लोग दमा का शिकार हैं। इनमें सालाना अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो कई मौतें दमा की वजह से होती हैं। दमा रोका जा सकता है, दमा से बचा जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज़, दमा होने पर उसे अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है जानकारी की और जागरूकता की। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में बहुत ही आम समस्या होती है दमा की, और जाहिर तौर पर क्योंकि ये भी एक श्वसन रोग है तो इसके लक्षण भी काफ़ी कुछ दूसरे श्वसन रोगों जैसे ही होते हैं, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है, तो शायद ये नहीं पता चल पाता उन्हें कि वाकई ये दमा है या फिर कोई और बीमारी। तो ज़रूरत है ये समझने की कि दरअसल दमा स्थिति क्या है और किस तरह के बदलाव आते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब वो दमा रोग से ग्रस्त हो जाए। दमा एक श्वसन संबंधी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। दमा से ग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। सामान्य श्वसन प्रक्रिया में सांस लेने पर हवा नाक से प्रवेश कर ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों में और फिर ब्रोंकाई तक पहुंचती है। हवा में स्थित ऑक्सीजन वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ले लेती है। शरीर की रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में चली जाती है और श्वास छोड़ने पर शरीर से बाहर निकल जाती है। वहीं ऑक्सीजन रक्त में शामिल होकर पहले हृदय तक पहुंचती है, फिर सारे शरीर में संचारित हो जाती है। लेकिन दमा से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की ब्रोंकाइल ट्यूब्स प्रभावित होती हैं, जिसके कारण विशेष संवेदी तत्वों के संपर्क में आते ही सांस की नली में सिकुड़न आ जाती है, साथ ही सूजन होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति सांस नहीं ले पाता। ये सिकुड़न कुछ मिनटों या कई घंटों तक रह सकती है। हर व्यक्ति को किसी अलग तत्व के संपर्क में आने से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और लक्षणों की गंभीरता भी अलग अलग व्यक्ति में अलग हो सकती है। लक्षणों को नज़रअंदाज करने पर स्थिति गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। सही इलाज से रोग के लक्षणों को नियंत्रित कर दमाग्रस्त व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि दमा रोग का सही इलाज हो और दमा से ग्रस्त व्यक्ति को कोई भी समस्या या लक्षण होने पर उसे तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया जाए। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। मुनव्वर राना कहते हैं कि रहता है दिन में रात के होने का इंतज़ार, फिर रात को दवाओं की गोली से काटना।
अक्सर जिन लोगों को ये समस्या होती है वो फिर सिर्फ और सिर्फ दवाओं पर निर्भर होकर रह जाते हैं। आम सी लगने वाली बहुत सी चीज़ें जो औरों को बहुत ही आम सी लगती हैं उनके लिए एक ट्रिगर का काम करती हैं और दमा का दौरा पड़ सकता है। दमा का दौरा, उसके लक्षण क्या होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अगर किसी को पड़ता है तो उस वक्त करना क्या है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज विशेषज्ञों से हम समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत सी वो बातें हैं जिन्हें लोगों को लगता है कि अगर इनहेलर्स ले रहे हैं तो उसका एडिक्शन हो जाएगा, क्या वो आखिरी विकल्प होना चाहिए और क्या विकल्प हो सकते हैं दमा के सिम्टम्स को यानी उसके लक्षणों को कंट्रोल करने के, ये तमाम बातें विशेषज्ञों से समझेंगे। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है, तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, सीनियर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के काबरा, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर जी सी खिलनानी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले डॉक्टर नीरज गुप्ता, आपसे हम ये जानने की कोशिश करें कि दरअसल अस्थमा यानी दमा, ये शब्द बहुत से लोगों ने उन्होंने ज़रूर सुना होता है जिन्हें शायद उनके परिवार में इस तरह की कोई शिकायत ना भी हो तब भी कम से कम इस शब्द से परिचित होते हैं, लेकिन दरअसल हम समझना चाहें कि दमा है क्या तो कैसे बताएंगे? दमा एक एक्चुअली शरीर की एक वो स्थिति है जिसमें सांस की जो नलकियाँ हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर संवेदनशीलता बढ़ जाती है, स्पैज़म होते हैं और सांस की रुकावट होती है, तकलीफ होती है, जिसके कारण जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाना चाहूँ कि ये सांस की एक नलकी है जो कि पूर्ण रूप से खुली हुई है और जब इसमें किसी प्रकार, हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे कैमरे की तरफ, इस प्रकार से ये सांस की जो नलकी है ब्रोंकाई वो पूर्ण रूप से खुला हुआ है, लेकिन जब इसमें किसी प्रकार से ट्रिगर की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से जब सूजन आती है अंदर, तो सांस की जो अंदर की म्यूकस लाइनिंग है उसमें सूज जाती है और जो इसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो संकुचित होने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, स्पैज़म होने लगता है उसके अंदर, और जैसे जैसे वो स्पैज़म बढ़ता जाता है वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके अंदर उसका साइज़ बहुत कम हो जाता है, सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। इनके लक्षणों में वही चीज़ शामिल है, इसी पहले लगातार उठने वाली खांसी, खांसी के साथ में सांस फूलने का या सांस में एसीटी सी बजने का एक वो, या चेस्ट में टाइटनेस का होना और घबराहट होना, ये सब उस लक्षणों में शामिल है। जैसे जैसे स्पैज़म बढ़ता जाएगा और रास्ता संकुचित होता जाएगा उसी प्रकार से सिम्टम बढ़ते जाएंगे। जी, अगर इस स्थिति की गंभीरता की बात की जाए डॉक्टर खिलनानी, भारत देश की बात करें वर्तमान स्थिति में क्या लोड देखते हैं, पेशेंट लोड कितना है, और जब बात आती है दमा की तो लोगों को ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन का अंत हो गया और ना जाने क्या क्या, आप एज अ मेडिकल एक्सपर्ट इसको किस तरह से देखते हैं और गंभीरता वाकई कितनी होती है? देखिए, ऐसा है कि जो दमा है अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो 5-10% लोगों को दमा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5-10% लोग खांस रहे हैं उनको सांस में तकलीफ, ये एक प्रवृत्ति है, ये एक टेंडेंसी है, इसको एलर्जिक टेंडेंसी कहते हैं, इसके साथ एक्जिमा, स्किन कंडीशन, एलर्जिक राइनाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस ये भी होते हैं, लेकिन दमा मेन होता है। अब जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है जैसे कोई एयर पोल्यूशन हो गया या धूल मिट्टी से एक्सपोजर हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो गए या कई बार पता भी नहीं होता क्यों, तो उस समय जो है आदमी को या पेशेंट को खांसी होती है, सांस में तकलीफ़ होती है, वो रात को लेट नहीं पाता, उसको उठ के बैठता है, उसके सांस में सीटी की सी आवाज़ आती है, और उस समय उसका अगर प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाए तो तकलीफ़ बढ़ भी जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना सीवियर हो जाता है कि इमरजेंसी में जाना पड़ता है, आईसीयू में भी जाना पड़ता है, जानलेवा भी हो पड़ती है। तो ये बहुत अहम है कि इसको इसकी पहचान की जाए, इससे दूर ना भागा जाए और उसका सही समय पे सही निदान और सही उपचार किया जाए। जी, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये जो बात आपने कही कि सही समय पर निदान होना चाहिए। डॉक्टर काबरा, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि क्या बच्चों में ही दमा की शुरुआत हो जाती है या अगर बचपन में नहीं हुआ तो बड़े पर कभी नहीं होगा? नहीं, दमे के जो लक्षण होते हैं जो वयस्क में डॉक्टर खिलनानी ने बताया वो आम बीमारी है बच्चों में। ये देखा गया है कि 6 साल की उम्र तक लगभग 50% बच्चों में एक बार इसके लक्षण हो ही जाते हैं, और यदि हम स्कूल जाने वाले बच्चों में देखें
तो ये 10-15% बच्चों में दमा रोग की बीमारी होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट तरह की बीमारियां होती है, जो वयस्क में होती है वो एक ही बीमारी होती है दमा, लेकिन बच्चों में अलग अलग होती है। अब ये है कि इसका हम निदान कैसे करें। बच्चों में लक्षण थोड़े अलग होते हैं, बच्चे को बार बार खांसी आना, सांस फूलना, जब मौसम बदलता है जैसे अप्रैल में मौसम बदल गया, जो सितंबर में बदल गया, उस समय लक्षण अधिक होना, बच्चा जब दौड़ता है, हंसता है, खेलता, उस समय खांसी होना, या फिर ये रात में सोते समय बार बार खांसी जुकाम का दौरा पड़ना, ये सारे लक्षण होते हैं बच्चे में दमे के। उसके साथ यदि बड़े घर में किसी माता पिता या दूसरे बच्चों को भी ऐसी समस्या है तो ये सारे लक्षण हम सब एक साथ लगा के फिर कहते हैं कि हाँ बच्चे को दमे रोग से दमा रोग हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर उसको दवाइयाँ देते हैं। ये आम कारण है बच्चों का स्कूल से छुट्टी करना, माता पिता का अपने जॉब से छुट्टी लेना, बच्चा खेल कूद में बराबर भाग नहीं लेना, और उसका आर्थिक और शारीरिक और मानसिक परेशानी का यह मुख्य कारण है। इसलिए बच्चों में यह विशेष तौर पे आवश्यक है कि हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, उसका निदान करें और सही दिशा में दवा दें, तो इन सारे लक्षणों से, इन सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। हालांकि ये जड़ से जाने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जी डॉक्टर नीरज गुप्ता, कुछ लक्षणों की आपने बात कही थी और ये कहा कि जैसे ही जो ट्रिगर्स हैं या संवेदी तत्व हैं उनके संपर्क में कोई भी दमाग्रस्त व्यक्ति आता है तो कुछ बदलाव होते हैं उसके श्वसन तंत्र में। इस तरह के बदलाव अगर व्यक्ति को श्वसन एलर्जी है या दूसरी कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, या उसमें भी तकरीबन इसी तरह के लक्षण आएंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा? हाँ, ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या व्यक्ति को दमा हो रहा है या किसी और बीमारी का लक्षण है। वो जैसे खांसी, लगातार उठने वाली खांसी, ये टीबी में भी हो सकती है, या और जैसे स्मोकर्स कफ होता है उसमें भी हो सकती है। लेकिन दमा की जो एक खास विशेष बात है वो ये है कि इसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। एक ही दिन में व्यक्ति जो है हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो, और हो सकता है अगले ही क्षण उसको दमा का अटैक भी हो जाए। ये जो संवेदनशीलता है इसकी, रेस्पिरेटरी ट्यूब्स की, ब्रोंकाई की, ये समय समय बदलती भी रह सकती है, और ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितना इन्फ्लेमेशन रहता है और क्या ट्रिगर है। वो ट्रिगर वातावरण से भी आ सकते हैं, ट्रिगर घर के अंदर से भी आ सकते हैं, जिसमें हाउस डस्ट, माइट, ये सब होते हैं, जैसे कि आपने डस्टिंग की कुछ, उसमें से भी आ सकते हैं ट्रिगर। उसको दवाइयों से भी आ सकते हैं, जैसे एस्पिरिन होता है। कभी कभी ट्रिगर इमोशन से भी आ सकते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा हंसने खेलने से भी ट्रिगर आ सकता है। तो ये ट्रिगर आने के कारण एकदम स्पैज़म होता है, जो कुछ एक लक्षण जो थोड़े से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें सीटी की आवाज़ का आना, वीजिंग होना, या एकदम लगातार अचानक अटैक हो जाना। कभी कभी ये कन्फ्यूजन हार्ट के अटैक से भी मिलता जुलता हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको अगर हिस्ट्री है, जेनेटिकली प्रोन है, एलर्जी की हिस्ट्री है, और हार्ट की इनको कोई तकलीफ नहीं है पहले से, तो इस बात को डिफेंड करना आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। जी डॉक्टर खिलानी, जब व्यक्ति को पहली बार, मान लीजिए यह पता नहीं था अभी तक कि दमा है या पहले कभी दौरा नहीं पड़ा, पहली बार दौरा पड़ता है, क्या वाकई उसकी सीवियरिटी इतनी होगी? और अगर पहली बार दौरा आ रहा है तो, क्योंकि आसपास के लोगों को भी ये नहीं मालूम कि इसको दमे का दौरा पड़ सकता है, उस स्थिति में गंभीरता कितनी बढ़ सकती है या कैसे उसको मैनेज किया जाए? पहले तो जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुंचता है तो कभी भी पहली बार नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये एक टेंडेंसी है जो अक्सर बचपन से होती है, किसी भी उम्र में आ सकती है। अक्सर उसकी जो हिस्ट्री होती है वो ऐसी होती है कि उसको बार बार खांसी होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कफ सिरप देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, अपने समय के साथ कुछ ठीक भी हो जाते हैं, और बहुत काफ़ी बार कई साल गुजर जाते हैं जब वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जिनको ये ज्ञान होता है, और सोचते हैं और वो डिटेल्स में जाते हैं कि उनको बार बार खांसी हो रही है, बुखार नहीं है, ज़्यादा बलगम भी नहीं है, और वीजिंग होती है, रात को उठ के बैठना पड़ता है। लेकिन सिर्फ प्रश्न से या एग्जामिन करने से ही डायग्नोसिस नहीं होता। डायग्नोसिस करने के लिए हमें एक स्पायरोमीट्री, या इसको जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो अगर उसको क्रूड भाषा में कहा जाए कि वो जो ट्यूब्स होती हैं, जो ब्रोंकाई होते हैं, उनके कैलिबर को नापता। मरीज़ को एक मशीन में एक लंबा सांस लेके फूंकना पड़ता है, उससे पता लग जाता है कि ये इनकी नलियां सिकड़ी हुई हैं। उसके बाद उनको जब इनहेलर दे के 10 मिनट बाद फिर किया जाता है, तो उसे पता लग जाता है जो सिकड़ी हुई नलियां खुल गई।
तो ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि इस मरीज को दमा है। जहाँ तक सिवियरिटी का सवाल है, वो इस पर डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी तकलीफ है। मरीज क्या एक सेंटेंस पूरा बोल पा रहा है, क्या मरीज लेट पा रहा है, या मरीज को सारी रात उठ के बैठना पड़ रहा है, या उसके पसीने आ रहे हैं, या उसकी हार्ट रेट जो है ना वो जो 70-80 होनी चाहिए 120 पे पहुंच गई है, उसकी सांस 15-20 की जगह 35 पे चल रही है। तो ये सब लक्षण होते हैं जो पता चलता है कि बहुत सिवियर है। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिवियरिटी एक लिमिटेड होती है, उसमें आदमी आईसीयू तक भी पहुंच जाते हैं, वेंटिलेटर की भी जरूरत। तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना, नहीं बिल्कुल नहीं करना। और क्या करना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले पटना से तपन विश्वास हैं टेलीफोन लाइन पर। तपन जी बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्कार। मेरा जी, नमस्कार। बेटा का जो है वो 8 साल का है, उसका खांसी है, लेकिन वो खांसी जो है अर्ली मॉर्निंग ही होता है, अर्ली मॉर्निंग 1-1.5 घंटा के लिए होता है। और कभी कभी थोड़ा बहुत कॉफ निकालता है, तो डॉक्टर को तो काफी सारे दिखाया लेकिन कुछ इम्प्रूव हुआ नहीं है। कितनी उम्र बताई आपने? हाँ जी 7.5 साल का है जी। और बीच में 2 इंसिडेंट हुआ था, एक बार रात को अचानक से नींद टूट गई और उसके बाद बोल रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। उसके बाद थोड़ा वही मस्टर्ड ऑयल सीने पे मालिश किया और थोड़ा गर्म पानी देके गार्गल किया तो फिर से ठीक हो गया है। तो ये क्या अस्थमा का इंडिकेशन है डॉक्टर काबरा? जी हाँ, जैसे आपने बताया कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको खांसी होती है, 1-2 बार तकलीफ हुई सांस की भी, कुछ दवाई देने से तुरंत आराम आता है, ये लक्षण दमा के ही हैं। यदि जैसे मैंने पहले भी बताया, यदि बार बार खांसी जुकाम हो रही है, रात्रि में ज़्यादा हो रही है या अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा हो रही है, बच्चे के रोने हंसने खेलने के साथ में खांसी अधिक हो रही है, तो ये सारे लक्षण दमा रोग के हैं। और उसमें यदि हम दवाई दे रहे हैं और उससे सुधार हो रहा है और फिर दोबारा हो रहा है, ये सारे लक्षण यही बताते हैं कि ये दमा रोगी है। बाकी आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कुछ टेस्ट करके आपको और बता पाएंगे कि हाँ ये दमे की ही शिकायत है। बहुत से लोगों के मन में भी ये बात आ रही होगी कि कारण क्या होते हैं, तो कारणों की अगर हम बात करें, बहुत से लोग डॉक्टर खिलानी ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में और अगर देश की भी बात करें तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्या कारण है सारे आप एक बार हमारे सामने रखें। नहीं आप हम लोग प्रदूषण पे तो बात नहीं कर सकते क्योंकि दमा का विषय है, लेकिन मैंने कहा कि ये जेनेटिकली ये पीढ़ियों में चलती है और ये एलर्जिक टेंडेंसी होती है, लेकिन इसके जो ट्रिगर्स हैं उसमें प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रदूषण क्या होता है, उसमें ओजोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इम्पॉर्टेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 और PM 10 की बात करते हैं, जब भी इनकी मात्रा बढ़ती है तो दमे के अटैक होते हैं। और इसका प्रमाण है हमारे पास, करीब 20 साल पहले डॉक्टर पांडे की लीडरशिप में हमने एक स्टडी करी थी जिसमें हमने देखा कि इमरजेंसी में जो एस्थमा के मरीज थे वो करीब 20% ज़्यादा थे अगर पिछले 24 और 48 घंटे में एयर पोल्यूशन बढ़ गया था तो ये ट्रिगर का काम करता है। ये ट्रिगर का काम करता है और ये ट्रिगर अगर कंटिन्यू चलता है तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एस्थमा एपिसोडिक होने के बजाय फिर क्रॉनिक हो जाता है अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए। फिर उनकी सांस लगातार फूलती है, लगातार खांसी होती है, तो ज़रूरी है कि उसका समय पर निदान करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। जी डॉक्टर काबरा, बच्चों में आपने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्कूल मिस करना पड़ता है बच्चों को, अगर उससे थोड़े छोटे बच्चों की बात की जाए, क्योंकि बहुत क्लियरली सिम्टम्स नहीं बता सकते पेरेंट्स को कि उनको सांस लेने में समस्या हो रही है, तो क्या कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ मुश्किल रहता है ये समझना कि वाकई समस्या हो रही है और ये दमा हो सकता है? जी हाँ, यदि ये स्पेशली प्रॉब्लम होती है जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं या 1-2 साल के बच्चे होते हैं, उसमें पूरे लक्षण क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन जो आम देखा गया है कि बार बार खांसी जुकाम होना, फिर ठीक हो जाना दवा से और फिर दोबारा होना, दूसरा पसली चलना, हिंदुस्तान की कई जगह इसको पसली चलना कहते हैं, कई जगह न्यूमोनिया कहते हैं, कई जगह ये सैंसें की आवाज़ कहते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं कि बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही है।
तो वो जब थोड़ी सी तकलीफ अधिक होती है, सांस की नलियों में सिकुड़न थोड़ी अधिक होती है, तो ये सारे चीज़ें आते हैं, पसली चलना, निमोनिया होना या सांस में तकलीफ होना, छाती में खड्डा पड़ना और सांस में सेंसें की आवाज़ आना। तो यदि बच्चे को बार बार खांसी हो रही है जो दवा से ठीक हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद हो जाती है, जब मौसम बदलता है उस समय अधिक हो जाती है, छोटे बच्चों में स्पेशली जब उसको नज़ला जुकाम होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण से, तब ये तकलीफ अधिक होती है 5 साल की उम्र तक, उसके बाद दूसरे वो ट्रिगर्स होते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो वो बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं, तो वो उसका निदान करते हैं, दवाई दे के या कुछ टेस्ट की आवश्यकता होती है तो टेस्ट करते हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो बात बार बार हो रही है कि दौरा पड़ने पर स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, क्यों ना हम आपसे अब ये समझने की कोशिश करें कि अगर अटैक को प्रिवेंट करने की अगर बात है जी, तो किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है अटैक को? देखिए, जैसे कि अब इस डिस्कशन में ये बात उभर के आ रही है बाहर कि ये पहली बात तो ये एक जेनेटिक्स मतलब अंदरूनी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमारी सांस की नलकियाँ ट्रिगर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, ज़्यादा संवेदनशील हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही हैं, जिसके कारण उसमें जो सिकुड़न आती है इसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं और वो जानलेवा तक भी हो सकते हैं। तो आवश्यक यह है जानना कि पहले तो अपने लक्षण के विषय में आपको पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए कि मुझको जो खांसी उठ रही है, जो मुझको सांस में आवाज़ आ रही है, वो दमा हो सकती है, यानी कि डॉक्टरी सलाह लेना आवश्यक है। दूसरा ये कि कुछ ऐसे तत्व जो जिनके कारण मुझको ये स्थिति आ सकती है उससे मुझे बचना चाहिए, जैसे कि वातावरण का जो पोल्यूशन है जिसके विषय में बात उठाई गई है, चाहे वो बाहरी हो या वो अंदरूनी घर के अंदर भी हो। जैसे अगर आप पुराने किताबें साफ़ कर रहे हैं, पुराने बुलंद साफ़ कर रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा हो रहा है, जब धूल मिट्टी उड़ रही है, वाइट वॉशिंग हो रही है, पेंट हो रहा है, छौंका लग रहा है, या किसी प्रकार के कोई स्प्रे परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, उनसे आपको अटैक हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लाइक जैसे बोलते हैं, तो प्रिवेंट करना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, जैसे ही आपको अपना लक्षण पता लगना शुरू होता है कि मुझको सिकुड़न आ रही है, खांसी उठ रही है, या सांस में हल्की सी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, जैसे खेलने के बाद अचानक लगता है कि खांसी उठना शुरू हो जाती है, जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा कहते हैं, उस स्थिति में आपके पास में इनहेलर एक डिवाइस होती है जिसमें दो तरह की दवाइयाँ रहती हैं, एक कंट्रोलर मेडिसिन और रिलीविंग मेडिसिन। वो दोनों उसके कम्बिनेशन से आपकी फेफड़े की नलकियों को तुरंत असर मिलता है और उसका सूजन भी कम हो सकती है, यानी कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं जो स्थिति ख़राब होने जा रही थी, बढ़ने जा रही थी, उसको इनहेलर को लेकर के प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने पास इनहेलर रखें, जो लोग जिनके इस तरह की स्थिति पहले से रहती है या जिनको पता है कि मुझको दवा है, तो हमेशा बात पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि इस तरह की मेडिसिन ले लें, उस वक्त इनहेलर ले लें, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है इनहेलर लेने के बावजूद अटैक हो? वो इस बात पे निर्भर करता है कि कि आपकी जो पोल्यूशन या जो भी ट्रिगर्स हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। और दूसरा इस बात पे निर्भर करता है कि क्या आपकी जेनेटिकली वो स्थिति है जिसमें कि आपका जो रिस्पॉन्स है कहीं ज़्यादा और लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, जिसको लोग ब्रिटल एस्मा बोलते हैं। उस स्थिति में कभी कभी नियर फेटल एस्मा स्थिति तक पहुँच जाती है जिसमें कि एक छोटा सा अटैक भी बहुत जानलेवा तक हो सकता है। आवश्यक यह है कि इनहेलर लेना, इनहेलर की भी डोज प्रेस्क्राइब्ड है। इंडियन डॉक्टर खिलानी हमारे साथी हैं, उन्होंने एक गाइडलाइंस जो इंडियन गाइडलाइंस हैं उसके अंदर उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ कि किस प्रकार आप कितने इनहेलर कितनी डोज में ले सकते हैं, जैसे कि 4-4 पफ करके लिया जा सकता है, उसको आप हर 15 मिनट में रिपीट कर सकते हैं जी। लेकिन ये भी आवश्यक है कि ले जाए लेकिन तुरंत डॉक्टर से भी मिलिए। तो ज़रूरी है कि अगर आपको लक्षण हो रहे हैं, दमे का दौरा पड़ रहा है, तो नज़रअंदाज न किया जाए, तुरंत इलाज लें, तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं अगर ऐसा ज़रूरी है तो। फिलहाल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मुंबई से डॉक्टर वागेश मिश्रा मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरा कॉल ये है मैम कि ये जो अस्थमा जो है ये हेरिडिटरी का मतलब अनुवांशिक जो है उसका क्या रिलेशन है जी, जो है इससे या मतलब मदर या फादर दोनों में से किसी एक को अगर है तो स्पेशली कितना ज्यादा चांसेस है कि आने वाले बच्चे को होगा? एंड अगर ऑलरेडी अस्थमा है किसी को और वो इनहेलर पे या रोटा कैप पे है, उसके बाद भी क्या चांसेस है कि अगर उसको मतलब सीवियरिटी इनहेलर लेने के बाद भी कितनी कम हो सकती है जी? और लास्ट ये मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर से क्लिनिकली कि सैचुरेशन जो कि हम लोग SpO2 चेक करते हैं ऑक्सीजन में SpO2 सैचुरेशन कितना कम हो कि हमको ये देखना चाहिए कि पेशेंट को तुरंत एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जी, और कितना रिवर्सिबल है ये जो है बस। डॉक्टर खिलनानी, 3 सवाल हैं इनके, क्या बताएं? पहली तो ये बात कि ये कई बार हम बोल चुके हैं कि ये पीढ़ियों में चलती है, सिर्फ फादर मदर नहीं, ब्रदर सिस्टर चाचा मामा ताऊ मौसी
बुआ जो भी आपके खून से रिलेटेड है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको या तो पता नहीं होता या हिस्ट्री होती नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके परिवार में किसी को अस्थमा नहीं हो तो उसको हो नहीं सकता, ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है। पर हाँ, अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है। दूसरा प्रश्न के जो बहुत इम्पॉर्टेंट और मैं एम्फेसाइज करूँगा कि कब आदमी को लगे कि मरीज को इमरजेंसी में जाना चाहिए और उस समय क्या करना चाहिए। आप डॉक्टर साहब हैं, आपने SpO2 की बात करी, ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर मरीज के पास है, अगर वो 90% से नीचे जा रहा सेचुरेशन, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है दैट आपकी दवाइयां काम नहीं कर रही, आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। उसके अलावा अगर सांस बहुत फूल रही है, आधा सेंटेंस भी मरीज नहीं बोल पा रहा है, उसको लेट नहीं पा रहा, ये सब लक्षण हैं कि आपको अपने ऊपर। दूसरी बात है कि जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया जी, दो तरह की मेडिसिन होती हैं, एक कंट्रोलर मेडिसिन, एक रिलीवर मेडिसिन। रिलीवर मेडिसिन वो होती हैं जो इनहेलर्स होते हैं, जो आप नीड बेस्ड लेते हो, जैसे सेल्बिटामोल, लिवोसेल्बिटामोल। कॉमर्शियल नेम्स की बात करें तो वेंटोरलिन और एस्थलिन होते हैं, उसमें नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बार बार इन्हें रिलीवर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार मतलब कि आपको 10 बार 5 बार इनहेलर की ज़रूरत पड़ी है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी कंट्रोलर मेडिसिन काम नहीं कर रही, आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए जी। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं अस्थमा यानी दमा के बारे में, विशेषज्ञों के साथ ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं अस्थमा यानी दमा पर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर नीरज गुप्ता आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात हो रही थी इस बात को लेकर कि बहुत से लोग इनहेलर्स भी लेते रहते हैं, दवाइयों पर भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से हमारे दर्शकों के ईमेल्स भी हैं, वो कहते हैं कि हम लगातार इलाज करा रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा, तो अब विकल्प क्या हमारे सामने, कारण क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि अभी डॉक्टर खिलानी ने बताया कि सीवियर और वेरी सीवियर अस्थमा कैसे पता लगता है, कि सेंटेंस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन ड्रॉप कर रही है, घबराहट हो रही है, पल्स बढ़ रही है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ रहा है और दवाइयाँ आप ले रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले समझने की बात यह है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि SOS मेडिकेशन आपको लेनी है, जैसे बताया सेल्बिटामोल, अगर उसकी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ने लगी है, यानी कि आपको रात को एक बार, एक हफ्ते में भी ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा, या 2 हफ्ते में एक बार, दिन में भी 2-3 बार अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है। तो पुअर कंट्रोल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है कि क्या आप दवा ठीक से ले रहे हैं, ठीक मात्रा में या ठीक प्रकार से ले पा रहे हैं, क्या आपका डायग्नोसिस ठीक है, क्या आपको कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे कि दमा के अलावा कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, क्या आपके कोई एनवायरमेंटल कारण तो नहीं है जिनके कारण आपकी स्थिति बार बार बिगड़ती है या बार बार अटैक्स होते हैं। मैं इस बात में एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर OPD में लोगों को बुला के सिखाते हैं कि जो इनहेलर है उसको ठीक से ऐसे लिया जाए, लेकिन हमने ये देखा है कि मेजॉरिटी लोग ठीक से नहीं लेते हैं। तो आज मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा सभी के समक्ष कि इनहेलर का क्या तरीका लेने का। अब ये एक इनहेलर डिवाइस है जो अडल्ट्स के लिए होती है, बच्चों को अगर लेना है तो बच्चों के लिए एक स्पेसिंग डिवाइस आती है जो आजकल रिकमेंडेड है, या छोटे बच्चों के लिए एक बेबी मास्क होता है, साथ में लिया सकती है। लेकिन अगर वयस्क हैं, अडल्ट हैं, तो उनके लिए इनहेलर लेना किस प्रकार लिया जाए कि सबसे पहले इसको हिलाया जाता है। उसका कारण यह है कि इसके अंदर एक प्रोपेलर मेडिसिन होती है जिनका मिलना आवश्यक है। उसके बाद शुरू में जब नया इनहेलर खरीदा जाता है तो उसको एक्चुएशन किया जाता है, 2-3 बार इसको निकाला जाता है ताकि उसकी एक, आजकल काउंटर भी लगे आते हैं जिसमें काउंटर शुरू हो जाना चाहिए जी। फिर व्यक्ति को बोला जाता है कि पहले गहरा सांस लेके कि छोड़ें, पूरा बाहर निकालने के पश्चात इसको मुंह में लगाया जाएगा और उसको एक बार दबाया जाएगा, दबाते ही तुरंत स्लो एंड डीप उसको इनहेल किया जाएगा और उसको होल्ड किया जाएगा 10 सेकंड के लिए ताकि वो दवा पूर्ण रूप से पूरे फेफड़े में मिल जाए, और 10 सेकंड के बाद उसको नाक से धीरे धीरे निकाला जाएगा
और इसी प्रकार द्वारा करने के पश्चात और उसको कुल्ला किया जाएगा, ये आवश्यक है जी। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट इनहेलर के साथ में ये भी है कि इसमें एक डोज काउंटर होता है जिसमें 120 डोज होती हैं। लोग अक्सर देखते हैं कि इसमें दवा निकलती जा रही है तो 120 के बाद भी उसको यूज़ करते रहते हैं, जो गलत है। सोचते हैं कि दवा की मात्रा ज़्यादा है इसके अंदर, हम पैसे सेव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उसमें दवा की मात्रा इम्प्रॉपर हो सकती है, कम हो सकती है, टेल ऑफ इफेक्ट कहते हैं उसको जी। और अगर नहीं हिलाएंगे तो शुरू में जो दवा ज़्यादा आ सकती है और बाद में केवल हो सकता है गैस ही गैस आए। तो ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, इनका इनहेलर का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा समझना चाहिए ठीक से जी। डॉक्टर खिलानी, ये जो बात आ रही है कि प्रभाव कितना हो रहा है जो दवा ली जा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध अवस्था में हैं और अस्थमा या दमा के अलावा दूसरी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, कुछ जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन या फिर बीटा ब्लॉकर्स की बात की जाए, कोई ऐसा ग्रुप कौन कौन सी आप मेडिकेशन बताना चाहेंगे जिसके साथ खास तौर पर ध्यान रखना होगा या फिर ये जो दमा की दवाएं हैं इनका प्रभाव कम हो सकता है? मैं आपकी नॉलेज की एडमिरेशन करना चाहूँगा कि आपने बहुत अप्रोप्रिएट सवाल पूछा है। जो एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ होती हैं और नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कॉमन नेम लें ब्रूफेन, फ्लेक्सॉन, ये सब दवाइयाँ एस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं और एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा जो है ना एक स्पेशल एंटिटी है। तो इन दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए और सबको नहीं ट्रिगर करती, लेकिन इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर उससे ट्रिगर होता है तो इन दवाइयों को अवॉइड करके उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव। बीटा ब्लॉकर्स हैं वो एस्थमा को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, लेकिन आजकल जो एडवांस हाईली सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं वो दिए जा सकते हैं पर डॉक्टर की सलाह से। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर इज नॉट अ बिग नो नो, बट उसमें थोड़ी केयरफुल रहना पड़ता है। उसके अलावा हर दवाई के इंटरेक्शन होते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ, अब आप उस हिसाब से जो है ना हमें जो है ना बताएं। और दूसरा यहाँ ये भी बताना शायद उचित होगा कि इनहेल्ड स्टीरॉयड्स कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स उसके बारे में बहुत बड़ी धारणा है। मरीज़ हमारे पास आते हैं, जैसे ही हम उनको इनहेलर देते हैं कहते हैं स्टीरॉयड्स तो नहीं है इसमें, तो हम कहते हैं बिल्कुल हैं स्टीरॉयड्स, स्टीरॉयड्स हैं जो, बट हम उनको बताते हैं कि इसमें स्टीरॉयड्स माइक्रोग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में नहीं है। तो उनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं ज़रूर होते हैं मतलब, लेकिन सारी जो मेडिसिन है वो बेनिफिट और हार्म के बीच में चलती है, कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड वे में। और दूसरा जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया कि अगर आपने इनहेलर लिया उसी समय कुल्ला कर लिया तो जो 80-85% मेडिसिन जो मुंह में चिपक जाती है, जो अगर कुल्ला नहीं करेंगे तो वो सिस्टम में चली जाती है तो बाहर फेंक दी जाती है। लेकिन वो उसमें ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप इनहेलर लें और फिर बाथरूम में कुल्ला करने जाएं। द बेसिन और ग्लास हाथ में ही होना चाहिए क्योंकि कुछ सेकंड्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है ये बातें। डॉक्टर काबरा, बच्चों को लेकर भी ये बात हम समझना चाहेंगे। आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि बच्चों को अगर इनहेलर्स देने हैं, बच्चों की जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं उसमें कौन सी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं ध्यान में रखने के लिए और बच्चों को स्कूल भी जाना है? हाँ, देखिए जैसे अभी बताया कि कंट्रोल ठीक नहीं हो रहा है दवा देने के बाद भी, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये दो तरह की दवाई चलती है। एक होती है जब एक्यूट अटैक हो गया है, उसके लिए अलग कारण होते हैं, अलग दवाइयाँ होती है। दूसरा होता है कि ये जो बार बार हो रहा है, लंबे समय से तकलीफ चल रही, लंबे समय के लिए दवाई दे रहे जिससे ये एक्यूट अटैक हो ही नहीं, वो अलग दवाइयाँ होती है। और जैसा कि डॉक्टर खिलनानी और डॉक्टर नीरज ने बताया, इनहेलर की दवाई होती है, दो तरह की दवाई होती है। एक है जो नीले ढक्कन वाला इनहेलर होता है, वो जब एक्यूट अटैक हो गया उस समय आप दवाई लेते हैं। दूसरा होता है लाल ढक्कन वाला या हरे ढक्कन वाला, वो आपको रेगुलर लेना होता है। ठीक है, अब मैं बच्चों के बारे में बताता हूँ कि ये क्या क्या कैसे हम दवाइयाँ देखते हैं और कैसे देते हैं। तो बच्चों में भी इनहेलर की दवाई दी जा सकती है, क्योंकि तकलीफ़ कहाँ है, छाती के अंदर, और इनहेलर से दवाई दे रहे हैं छाती के अंदर, तो उसमें हम माइक्रोग्राम में दवाई देते हैं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दवाई देते हैं और बच्चे को तुरंत आराम आता है। जो मुँह से दवाई देते हैं वही दवाई मुँह से देते हैं, वो मिलीग्राम में देते हैं, आँत में जाती है, छाती में आती है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, और उसके बाद उसको आराम मिलता है।
अब ये जरूरी है कि बड़ा आदमी है उसको हमने समझा दिया और वो लेने लग गया इन्हेलर, बच्चों में दूसरे तरीके से इन्हेलर देते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर नीरज ने बताया, हम उसके लिए ये इन्हेलर के साथ मास्क यूज करते हैं, ठीक है, और ये हम एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके जैसे 2 महीने के बच्चे को भी ये दिया जा सकता है, तो 2 महीने के बच्चे में हम ये मास्क यूज करते हैं जो यहाँ लगा के बच्चे के मुंह पे लगा देते हैं और माँ को आराम से समझा देते हैं, वो दवाई लेता रहता है। दूसरा ये है कि बच्चा 3-4 साल से बड़ा है तो वो सीधा इससे दवाई ले सकता है जब इसको एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें उसको 10 सेकंड का समय मिल जाता है जब वो इनहेल की दवाई इनहेलर में ले सकता है 4 से 5 बार सांस लेके। इस तरीके से हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब लोगों को ये इनहेलर की दवाई दे सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत आवश्यक है जानना कि पहली बार यदि मैंने समझा दिया माता पिता को तो 20% लोग ही सब दवा सही ढंग से दे सकते हैं। इसलिए जब हम उसको दोबारा बुलाते हैं हर 2 से 4 हफ्ते में, तो जब तक 4-5 बार हम हर बार चेक करते हैं कि क्या बच्चे को दवाई अंदर जा रही है नहीं जा रही है। और इसलिए ज़रूरी है कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपने इन्हेलर, अपने स्पेसर, अपना फेस मास्क जो भी डॉक्टर ने लिखा है वो सब साथ में लेके जाएं और ये बराबर दिखाएं। जी, यदि इसके बाद भी बच्चे को तुरंत आराम नहीं आ रहा तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मुख्य कारण होता है आपने दवाई भी बराबर दे रही है, डॉक्टर दवाई भी दे रहे हैं, आप दे भी ठीक ढंग से रहे हैं। दूसरा होता है कि किसी को और एलर्जी हो, नजला हो रहा हो, नाक की एलर्जी हो, तो उसकी जब तक हम दवाई नहीं देंगे दमा कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा होता है उसकी एडिनोइड की ग्रंथियां बढ़ गई हो, गले में यदि एलर्जी है तो उसकी एडिनोइड की ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसके लक्षण होते हैं बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, खरांटे होते हैं, उसको जब तक ट्रीट नहीं करेंगे दमे के लक्षण भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं होंगे। और तीसरा जो मुख्य कारण होता है रिफ्लक्स, दूध पानी जो दूध पिलाते हैं वो उसके स्टोमक से फूड पाइप में चला जाता है, तो उसकी भी यदि हम दवाई नहीं देंगे तो दमा कंट्रोल नहीं होगा। अतः जब हम दमे की दवाई दे रहे हैं आराम नहीं आ रहा है तो इन लक्षणों को देख के डॉक्टर दवाई के बारे में डिसाइड करते हैं। जी डॉक्टर खिलनानी, एक जो अवस्था जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को दमा होता है या दमा की दवाइयाँ चल रही हैं, तो एक तो दमा को कंट्रोल रखना उस स्थिति में कितना ज़रूरी होगा और क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे जो मेडिकेशन चल रही है जिससे प्रेगनेंसी नॉर्मल हो या फिर आगे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कुछ इश्यूज ना हो। बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। बड़े अजीब सा रिलेशनशिप है प्रेगनेंसी का अस्थमा के साथ। एक तिहाई में न बढ़ती है न घटती है, एक तिहाई में बढ़ जाती है और एक तिहाई में घट जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अस्थमा अनकंट्रोल्ड हो प्रेगनेंसी में तो फीटस की ग्रोथ कम हो जाती है। तो अहम सवाल यह है कि प्रेग्नेंट वुमन की अस्थमा को कंट्रोल करना अहम है, चाहे वो बढ़ी हो या घटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जी। तीसरी बात यह है कि जो भी दवाइयाँ हम देते हैं इनहेल्ड मेडिकेशन वो सब सेफ़ होती हैं, उसमें कोई भी शुभा नहीं है कि उसमें बच्चे को कोई नुकसान होगा। फिर से बोलता हूँ, अगर अनकंट्रोल्ड अस्थमा होगी तो बच्चे को नुकसान होगा, ये समझना ज़रूरी है। जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और धीरे धीरे हम कई चीज़ें जान चुके हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश से शोभा हैं टेलीफोन लाइन पर। शोभा जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। रात को जैसे एक एलर्जी का दवा लेती हूँ रेगुलर, फिर भी हमको अचानक जुकाम हो जाएगा, गला में खुजली और कान भी खुजलाने लगता है, आंख में लाल लाल हो जाता है, खुजली जैसा होता है। जी, ये समस्या किसे है? हमको जैसे एलर्जी होता है ना तभी होता है ऐसा। अच्छा, डॉक्टर नीरज जी, इनके लक्षण इनको खुद भी ज्ञात है कि ये एलर्जिक सिम्टम्स हैं और इनको एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस की अस्थमा के साथ में बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कहा जाता है कि एलर्जी राइनाइटिस के पेशेंट में लगभग 60% लोगों को दमा रहता है या दमा के 30% लोगों में एलर्जी राइनाइटिस हो सकती है। और ये भी ज़रूरी है कि इन दोनों का साथ साथ इलाज किया जाए। एक वर्ल्ड बॉडी भी है एलर्जिक राइनाइटिस का इम्पैक्ट जो होता है एस्थमा के ऊपर, उसके ऊपर एक बॉडी भी, उनके रिकमेंडेशन भी हैं इस विषय में। तो ये इनके जो कंडीशन है वो साफ बताती है कि इनको एलर्जिक राइनाइटिस है और शायद इसका वो इलाज नहीं कर रहे हैं। तो इसका इलाज के जिस प्रकार से इनहेलर सांस की नलकियों को प्रोटेक्शन दे रहा है, उसी प्रकार के नेजल एक स्प्रे भी आते हैं, उसी प्रकार के होते हैं जो कि नाक की लाइनिंग को भी उसी प्रकार से प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि दोनों लाइन कंटिन्यूस हैं और दोनों का रिस्पांस सेम है। कुछ मेडिसिन आती हैं जो जिनसे इनकी सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, और नाक के स्प्रेज और इनहेलर इनको कंटिन्यूस लेने चाहिए। जिस प्रकार ये बता रही हैं कि इनको रात को अभी भी अटैक्स होता है,
इसका मतलब है इनका कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, या तो कोई दवा की कमी है, जैसे कि डॉक्टर काबरा ने अभी मेंशन किया था कि बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो साथ में एग्जिस्ट करती हैं और शायद नोट नहीं की जाती हैं, चाहे वो गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स होता है जी, या ओबेसिटी होती है, या ओएसए होते हैं, या एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है, तो इस प्रकार की समस्या के कारण इनके सिम्टम कंट्रोल में नहीं है, आवश्यक है कि विशेषज्ञ को दिखाएं। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, असम से अनीस जी हैं फोन लाइन पर, आपका स्वागत, सवाल पूछें। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि अगर बिलो 6 इयर्स है बच्ची तो उसको अस्थमा क्या उसका क्यूरेबल है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्ची जो है अस्थमा पेशेंट जब स्कूल जाती है या प्ले ग्राउंड वगैरह जाती है उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? डॉक्टर काबरा, हाँ जी, जैसा मैंने बताया 6 साल की उम्र के पहले जो अस्थमा या अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं वायरल इन्फेक्शन के साथ में, तो यदि परिवार में किसी को दमे की शिकायत नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बच्चे को बहुत जोर की तकलीफ नहीं हो रही है, तो वो ज़्यादातर समय जब वायरल इन्फेक्शन कम हो जाते हैं तो 5 साल के बाद वो कम हो जाते हैं और अस्थमा के लक्षण ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं 50% बच्चों में, उसके बाद भी कुछ बच्चों में आगे चलते रहते हैं। दूसरा सवाल हुआ कि हम क्या प्रिकॉशंस रखें जब बच्चा स्कूल जाता है, तो जैसा कि अभी तक हम वार्ता में बात कर चुके हैं कि एक चीज़ होती है ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है सांस के रास्ते को जो इरिटेट करता है या फिर कोई एलर्जन है जो सांस के रास्ते में जा रहा है। जो बच्चों के लिए आम ट्रिगर होता है वो होता है कि वातावरण में प्रदूषण है, बच्चा स्कूल जा रहा है और वो सुबह 7 बजे बैठ गया और 8 बजे तक बस में घूम रहा है और जब तक स्कूल पहुंचता है 1 घंटे तक उसने पूरे नगर की या पूरे शहर की हवा अंदर ले ली है, तो उससे यदि बचाया जा सकता है, क्योंकि स्कूल होती है 2 किलोमीटर दूर लेकिन बस को जाना होता है पूरे शहर में चक्कर लगाने का, तो बेहतर ये रहेगा कि आप किसी तरह से व्यवस्था करें, यदि आपके बच्चे को निश्चित तौर पे दमे की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, दवाइयाँ चल रही है, तो उसको सीधा स्कूल भेज दें या फिर इस तरीके से व्यवस्था करें कि उसको पूरे शरीर की पूरे शहर की हवा को सांस में नहीं लेना पड़े, स्पेशली ये दिल्ली जैसे शहर में। डॉक्टर काबरा, एक और बात आप जरूर बता दें, बच्चा का भले जो अस्थमा है वो कंट्रोल्ड है लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो क्या कुछ उसके अंदर सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जिन जिन चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन होता है उसमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, हम ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, बच्चे को खेल कूद करने दीजिए, उसके बाद यदि उसको कभी तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं जो मामूली दवाई होती है, इन्हेलर के साथ एक्सरसाइज करने के पहले ले सकते हैं, आमतौर पे रिस्ट्रिक्शन फिजिकल एक्टिविटी में रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है, ना ही खाने पीने में। ये एक आम बात होती है, माता पिता जो भी बलगम जैसी चीज़ दिखती है, दही, दूध, घी, केला, ये चावल, ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये मिथ्या है, और इन सब चीज़ों को यदि हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बच्चे की विकास नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, अतः इन सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करें, उसको बराबर खाने पीने दें, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आप उसको दवाई दें तो उससे उसका दमा कंट्रोल होगा, इन सब चीजों के बंद करने से नहीं होगा, मतलब ठंडी गर्म कुछ नहीं होती, ठंडी गर्म कुछ नहीं होती जी, तो सावधानी रखने की जरूरत जरूर है अगर किसी को दमा है, लेकिन वो सावधानी क्या होगी ये जरूर विशेषज्ञ ही बताएं तो बेहतर होगा। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं दमा यानी अस्थमा के बारे में, ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है, दमा रोग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 670 का सवाल था कि डिप्रेशन के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है, 3 ऑप्शंस आपके पास थे, सही जवाब ऑप्शन बी अवसाद यानी डिप्रेशन सिर्फ वृद्धावस्था में ही होता है, ये गलत धारणा है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये आपको बताएंगे, उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से क्या
दमा रोगी में दमे के दौरे का कारण बन सकता है, यानी उसे ट्रिगर कर सकता है। ऑप्शन ए, धूल या पराग के कण। ऑप्शन बी, तेज गंध या प्रदूषण। ऑप्शन सी, पशुओं के रेशे। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें दो हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 670 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर खिलनानी से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। इन करेक्ट एंट्रीज में से कौन बने हैं आज के एक लकी विनर? डॉक्टर खिलनानी, आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। लकी विनर इज काचा योगी, ये है सेवा सदन जामनगर गुजरात। काचा योगी, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नीरज गुप्ता आपको, दमा सांस की नलिकाओं के सिकुड़ने की बीमारी है या फेफड़ों की? सांस की नलिकाओं के सिकुड़ने की। डॉक्टर काबरा, दमा की शुरुआत अधिकतर बचपन में ही होती है? जी हाँ, ये 3 साल से ऊपर जो वयस्क लोगों में दमा होता है उसकी शुरुआत 3 साल के बाद में होती है। 3 साल के पहले वो बच्चों का दमा कहा जाता है, वो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। डॉक्टर खिलनानी, दमा एक तरह की एलर्जी ही है? बिल्कुल एलर्जी है, पर मैं डॉक्टर काबरा के उसमें ऐड करना चाहूँगा कि हालांकि बच्चों में दमा शुरू होता है अक्सर, लेकिन 90 साल की उम्र में भी शुरू होता है, 80 साल के में भी शुरू होता है। लेट ऑनसेट अस्थमा बहुत वेल नोन एंटिटी है और हम उसको बहुत देखते हैं। जी डॉक्टर नीरज गुप्ता, दमा होने का कारण क्या है? इसके पर इसमें डिस्कशन में काफ़ी कुछ विस्तार में बताया जा चुका है कि एक जेनेटिक आपकी टेंडेंसी होती है, ट्रिगर्स होते हैं, और उसके बाद इन्फ्लेमेशन होने के पश्चात आपको सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर काबरा, किन बच्चों को दमा होने का खतरा ज़्यादा होता है? जी, यदि बच्चे के भाई बहन को बार बार पसली चल रही है या दमे जैसे लक्षण हैं तो उसको 25% अधिक संभावना होती है। यदि एक माता पिता में से एक को होती है तो 50% हो जाती है। ये लेमैन की टर्म में मैं बता रहा हूँ, और यदि दोनों माता पिता को है तो उनको 75% हो जाती है। यदि घर में किसी को भी, जरूरी नहीं है सांस फूलता हो, नज़ला रहता है, आँख की एलर्जी होती है, तो उनको भी ये दमा होने की संभावना अधिक होती है। जी डॉक्टर खिलनानी, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ खांसी है लेकिन वीजिंग नहीं है तो ये दमा नहीं होगा? नहीं, ये गलत है, हो सकता है, इसको कफ वेरिएंट अस्थमा कहते हैं। इसका इलाज भी वैसे ही होता है जैसे दमे का होता है। डॉक्टर नीरज, अस्थमा अटैक के लक्षण क्या सभी लोगों में एक जैसे होंगे? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर खिलनानी ने बताया कि कफ वेरिएंट अस्थमा होता है जिसमें केवल खांसी हो सकती है, किसी में केवल वीजिंग की साउंड हो सकती है, किसी में शुरुआत में सिर्फ खांसी होती है बाद में वीजिंग के साथ हो सकती है, किसी में पहले नज़ले से शुरुआत होती है उसके पश्चात जो है खांसी होना शुरू होती है, टाइटनेस होती है और वीजिंग हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर काबरा, बच्चों में जो ट्रिगर्स हैं क्या वो बड़ों जैसे ही होंगे या उनसे कुछ अलग? बच्चों में ट्रिगर मुख्य रूप से 5 साल के नीचे वाले बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के बाद होते हैं, उसके बाद सारे सेम होते हैं। डॉक्टर खिलानी, दमा के हर रोगी का ट्रिगर क्या एक जैसा होगा या हर एक का ट्रिगर अलग होगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सबसे कॉमन ट्रिगर है वो है हाउस डस्ट माइट्स, और सेकंड कॉमन है पॉलन्स, तो इन दोनों का, और थर्ड ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन। जी जी। डॉक्टर नीरज गुप्ता, अगर एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो व्यक्ति को दमे का दौरा बिल्कुल नहीं पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक्चुअली में एयर प्योरीफायर तो केवल एक छोटे से एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, वो भी टेम्परेरली थोड़े समय के लिए, और एस्मा के व्यक्ति को मूवमेंट में कहीं भी जाएगा तो एक्सपोज तो होगा, तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। डॉक्टर काबरा, कौन सी जाँच से ये तय होता है कि बच्चे में दमा की शिकायत है? जी, बड़े आदमियों में ये स्पायरोमीट्री करते हैं, वो बच्चे 6 या 7 साल की उम्र के बाद ही कर पाएंगे, उसके पहले बहुत ज़्यादा जांचें नहीं होती है, हमें क्लिनिकल लक्षण के हिसाब से ही दमे की जांच की जाती है और दमे की निदान किया जाता है। जी डॉक्टर खिलनानी, ब्रोंकाइटिस, COPD और दमा, क्या इनमें फ़र्क करना वाकई मुश्किल है? कभी कभी जो ब्रोंकाइटिस COPD होता है वो जनरली स्मोकर्स में होता है,
वो 40 साल की उम्र के बाद में होता है, और जो एस्मा होता है वो जैसे हम बात करें कि शुरू में होता है, लेकिन जब एस्मा अनकंट्रोल्ड होता है और कई सालों तक चलता है तो वो ब्रोंकाइटिस की तरह ही बिहेव करता है क्लिनिकली, तब मुश्किल होता है डिस्क्रिमिनेट करना कि ये ब्रोंकाइटिस है या एस्मा। डॉक्टर नीरज, दमा है ये तय होने के बाद इलाज के क्या क्या विकल्प हैं? सबसे पूर्व तो आपको बताया गया कि इन्हेलर जो हमारा प्राइमरी दवा देने का तरीका होता है, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर काबरा ने बोला बच्चों में इन्हेलर देकर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको सिरप्स मिलते हैं या अगर इमरजेंसी होती है तो इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जब आदमी की स्थिति सीवियर एस्मा होता है तो उस समय कुछ मेडिसिन ओरल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड्स होते हैं, रेस्क्यू मेडिसिन होती हैं जो 1 से 3 हफ्ते के बीच में की जा सकती है, और कुछ और दवाएं भी होती हैं जिसमें कि नाक का कंजेशन को कम करने की दी जाती है, कुछ स्टेज वाइज भी मेडिसिन दी जाती हैं जो ओरल मेडिसिन होती हैं, लेकिन उनको भी यूज़ करने की आवश्यकता हो सकती है जी। और नेबुलाइजेशन भी? नेबुलाइजेशन जो होता है वो नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो स्पेसर के साथ में दवा है वो नेबुलाइजेशन की तरह ही काम करती है, बल्कि नेबुलाइजर में मात्रा कहीं ज़्यादा गुना होती है। नेबुलाइजर केवल उस स्थिति में दे सकते हैं जब आदमी की सांस की ये हो जाए कि वो इन्हेलर लेने की स्थिति में ना रहे, जैसे कि इमरजेंसी जी। डॉक्टर काबरा, बच्चों में इन्हेलर्स देना शायद बहुत कारगर या उपयोगी नहीं होता? जी नहीं, ये एक मिथ्या है, और जैसा मैंने बताया, पहले भी बताया कि बच्चों में भी इन्हेलर का उपयोग किया जा सकता है, एक नवजात शिशु से लेके 12-14-15 साल तक के बच्चों में इन्हेलर दिया जा सकता है। छोटे बच्चे में हमें मास्क यूज करना होता है, बड़े बच्चों में स्पेसर और इन्हेलर से लिया जा सकता है। डॉक्टर खिलानी, ब्रोंकोडायलेटर्स यानी रेस्क्यू मेडिकेशन लंबे समय तक या रोज़ाना लेना ठीक नहीं होगा? अगर आप किसी मरीज को रेस्क्यू मेडिसिन बार बार लेनी पड़ रही है, दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग इन इस ट्रीटमेंट, और या उनका डायग्नोसिस ठीक नहीं है, तो इसलिए लंबे समय तक बार बार रेस्क्यू मेडिसिन लेना हानिकारक होता है। और अगर नंबर्स की बात करें, अगर कोई आदमी को 20 इनहेलर रोज़ लेने पड़ रहे हैं तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हार्ट पे भी, उससे अरिथमिया हो सकती है, हार्ट की इरेगुलरिटी हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है। सो डिक्टा में इसके अगर आपको बार बार रेस्क्यू मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इमीडिएटली इमरजेंसी में या डॉक्टर को रिपोर्ट करें। डॉक्टर नीरज, क्या सभी इनहेलर एक जैसे होते हैं? नहीं, जो इनहेलर्स हैं वो उसमें डोज कम बढ़ती हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपको बच्चों को देना है कि बड़ों को देना है। और इनहेलर्स भी आजकल कई तरह के आते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ मस्क्रेनिक होते हैं, मतलब बेसिकली इनहेलर्स की दवा बीमारी के हिसाब से होती है, कुछ COPD में यूज़ की जाती है, कुछ दवा में यूज़ की जाती है, इनहेलर्स कई प्रकार के होते हैं जी। डॉक्टर काबरा, बच्चे को दमा है, क्या स्कूल और टीचर्स को ये बताना ज़रूरी होगा? जी हाँ, ये बहुत आवश्यक है, जैसे कहीं भी ट्रिगर हो सकता है और बच्चे को तकलीफ हो सकती है, अतः माता पिता जो दमे की दवाइयाँ हैं वो बच्चे के साथ रखें, और टीचर्स हैं उनको भी हम ट्रेन करें जिससे कोई इमरजेंसी हो जाती तो तुरंत उसकी दवाई दे सकें। क्या दमा रोगी डॉक्टर खिलानी एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसका ज्वलंत उदाहरण मिस PT उषा, इज अ पब्लिक नॉलेज दैट शी इज एन एस्थमेटिक, और उन्होंने क्या पाया है हम जानते हैं जी। बिल्कुल, कई कई खिलाड़ी ऐसे हैं, और ये आखिरी और ये मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ओलंपिक्स में भी 5% 10% हिस्टोरिकली जो मेडलिस्ट हैं इन्होंने वो एस्थमेटिक रहे हैं, तो इसलिए ये सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि एस्थमा इसका मतलब उसके ऊपर कोई डिसेबिलिटी नहीं है जी, वो सब कुछ अचीव लाइफ में कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में, स्पोर्ट्स में, जो कोई भी कर सकता है जी। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ बैठे सभी विशेषज्ञों का। तो विस्तार से आज की हमने बातचीत दमा रोग के बारे में, दमा के लिए ज़रूरी है कि लक्षणों को सही समय पर पहचाना जाए और सही तरीके से इलाज करवाएं, यहाँ वहाँ के नुस्खे ना अपनाएं बल्कि विशेषज्ञ को दिखाएं और जानें कि आप अगर दमा रोगी हैं तो आपका इलाज और उसका प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए। अक्सर लोगों में जब बीमारी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो न जाने क्या क्या आजमाने लगते हैं, और शुजा खावर ने बड़े खूबसूरत शेर में ये बात कही भी है, वो ये कहते हैं कि चारागरी की बात किसी और से करो, अब हो गए हैं यारो पुराने मरीज हम, लेकिन ऐसा ना करिए, विशेषज्ञ के पास जाइए, अस्थमा अगर किसी को भी है
तो उसका विशेषज्ञ से इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।